आज आरिफ निजामी को सुन के मुझे इस बात की खुशी हुई कि चलें आसिफ आरिफ निजामी उनमें से नहीं जो हमें रांदे दरगाह समझता है या काबिल कदर समझता है, ये भी उन नौजवानों में कभी रहा जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से इंस्पायर थे, और ख़ास तौर पर राशिद भट्ट और राशिद भट्ट के हवाले से जो बात अपने इस्लामिक कॉलेज की, ठीक है। लेकिन एक बात जो आरिफ ने आज कही यहाँ पे, आरिफ निजामी ने जो कुछ भी कहा, जहांगीर बदर साहब अगर आप संजीदगी से उसके नोट्स ले लें तो मेरा ख्याल है कि आने वाले सालों के लिए आपके पास एक एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं, अगर आप ऐसे लोगों की बात सुनने की तकलीफ कर लें, क्योंकि ऐसी बातें ही अब सच हैं। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर रहेगी, क्योंकि अगर 19 सीटों के साथ रह सकती है तो 9 सीटों के साथ भी रह लेगी, लेकिन आरिफ की जो बात है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि किस किस्म की पार्टी हमने रखनी। क्योंकि मैं और आरिफ एक बात कहते हैं कि हम तालिबान से बचना चाहते हैं, और मेरा यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर बुनियाद परस्तों के रास्ते में MQM और ANP के साथ आखिरी रुकावट है। जब ANP और MQM और पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो जाएगी तो फिर उस मुल्क के अंदर बुनियाद परस्ती को कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये सवाल का जवाब आप कोशिश करेंगे कि आज आप हमें सुनने का मौका मिले आपसे। मैं दावत दूंगा फौजिया वहाब को, तशरीफ लाएँ और अपने ख्याल का इजहार करें। तशरीफ लाइए फौजिया वहाब। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का। लेकिन सुनने में यहाँ ऑनेस्टली आप लोगों की बातें आई थी। लाहौर बहरहाल सियासी मरकज़ है हमारे मुल्क का, और लाहौर में जो बातें होती हैं उसके इम्प्लिकेशंस या उसकी जो रिपल्स हैं, रिपल इफ़ेक्ट्स पूरे मुल्क में महसूस की जाती हैं। तो इसी तरीके से लाहौर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड लाहौर कैन नेवर बी इग्नोर्ड और निगलेक्टेड। क्या आप लोगों ने बुरी बुरी बातें की हैं? नहीं, हमने तो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंधी पार्टी है, नहीं, अभी भी जो हमें वोट पड़े हैं पंजाब में ज्यादा मिले हैं, हमें जो सीटें मिली हैं पंजाब में ज्यादा मिली हैं। 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को पंजाब से 48 सीट्स मिली थी और सिंध से 30 सीट्स मिली थी। बाकी जो सीटें हैं वो सरहद से और बलूचिस्तान से, KPK और बलूचिस्तान से आई थी। तो लिहाजा ये कहना कि वी आर आर मेजॉरिटी आर सपोर्ट बेस लाइज इन सिंध, नो आई डिसएग्री। अभी आपने कहा, अच्छा मुझे महसूस हुआ आपने ये कहा, आखिरी जो जुमला था उन्होंने कहा था बैक ना किए, मेरा तो वही बात कही जो आपने कही है कि पंजाब पीपल्स पार्टी की बेस है, लेकिन उसको कायम रखना चाहिए, तो बाकी बात है। और मेरे ख्याल में हमारा फोकस भी इसी बात पे है। अगर आपको ये महसूस हो रहा, अगर ये आपको महसूस हो रहा है कि हम डिफोकस्ड हो गए हैं या हमारी तवज्जो पंजाब पे नहीं रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में बहुत जल्द सदर साहब आपके दरमियान बैठे हुए होंगे, बहुत जल्दी इसके इम्कानात पाए जाते हैं। और पीपल्स पार्टी एक्चुअली इसकी वजह यह है कि 1967 में ये पार्टी कायम हुई। आई एम सॉरी, मैं इनकोहेरेंट महसूस आप मुझे कर रहे होंगे, मैं तो उठ के आ गई। इसने अंजुम रशीद ने मुझे, मैं फ्लाइट पे बैठी थी, उसने मुझे कहा कि भाई आज आना है। मैंने कहा अच्छा चलते हैं, और अब तो यकीनन ख़त्म हो गया होगा, तो अब सिर्फ बातें होंगी और बातें सुनेंगे हम, तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं। बहरहाल वील स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, द रीज़न वाई पीपल्स पार्टी इज स्टिल देयर। पीपल्स पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1967 एंड पीपल्स पार्टी हैड टू फेस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन। हमारे जो बानी चेयरमैन थे उनको फांसी पे लटकाया गया, हमारी मोहतरमा जो थी उनकी बेटी और हमारी पार्टी की को चेयरपर्सन, उन्होंने साल हर साल
जेलें काटी हैं और जलावतनी भी सही हैं। इसी तरीके से आज जो हमारे को चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बेपनाह तकलीफ उठाई हैं और अगर उनके दोनों अदवार को अगर आप शामिल कर लें तो 11.5 साल उन्होंने असीरी देखी है, और असीरी भी ऐसी देखी है कि कोई वजह नहीं है, केसेस बनाए गए, कहानियां बनाई गई, प्रोपेगेंडा होता रहा, उनको किस किस तरीके से पेंट किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी सरवाइव कर गई। पीपल्स पार्टी के सरवाइव करने की बुनियादी वजह, जिसका जिक्र इफ्तखार साहब ने भी कहा, वो यही है कि पीपल्स पार्टी एक सोच को रिप्रेजेंट करती है, एक फिकर को रिप्रेजेंट करती है, एक फलसफे को रिप्रेजेंट करती है। जितनी और पार्टीज हैं जो कि पीपल्स पार्टी को चैलेंज करती हैं, वो अब तक वो मुतबादल नहीं दे सकी जिसकी शायद एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सेस मुतलाशी हैं। अभी भी रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है वो अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी जो मसावात की जो बात की जाती है वो भी रेलेवेंट है, गरीब को आवाज देने की जो बात की जाती है वो भी अभी तक रेलेवेंट है, गरीब को या मार्जिनलाइज तबके को शनाख्त देने की बात की जाती है वो भी अभी तक रेलेवेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने जब भी इख्तदार में आई है तो बैलेट के जरिए से आई है, अवाम के वोटों के जरिए से आई है। पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो अवाम से जो उसका नाता है वो कायम रखा है, और उस नाते की बुनियाद पर उन्होंने फलसफा जो दिया है वो लिबरल डेमोक्रेसी इस मुल्क में कायम करने का। ये वो पार्टी है जिसने अपने इस मौकफ से कभी इनहराफ नहीं किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज हम में नहीं है, उनकी खता क्या थी? उनकी खता ये थी कि इंतहा पसंदी के खिलाफ उन्होंने एक मौकफ इख्तियार किया और उसके ऊपर डट के खड़ी हो गई। लाल मस्जिद का वाकया तो कोई नहीं भूला है। लाल मस्जिद के वाकये पर मोहतरमा ने एक बिल्कुल वाज़ह स्टैंड लिया जो कोई और इस मुल्क का रहनुमा नहीं ले सका। ये वो वैल्यूज हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो वैल्यूज ये है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं जो बेआवाज है उसको आवाज मिले, जिसकी शनाख्त नहीं उसको शनाख्त मिले, जिसकी पहचान नहीं उसको पहचान मिले। और ये तमाम बातें उसी बुनियाद पर होंगी जिसमें हम एक दूसरे के लिए एहतराम का दर्जा पैदा करेंगे, एक दूसरे की बात की सुनने की अंदर ताकत पैदा करेंगे। जो दूसरा तबका है वो कहता है कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तुम्हारी बात तो हमने सुनी नहीं। ये जो एक्सट्रीमिज्म है जिसका जिक्र इफ्तखार साहब ने कहा है, जिक्र किया है, ये एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है। हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। इंडिया भी पाकिस्तान की हकीकत को मान चुका है, इंडिया को भी इस बात का एहसास है कि अगर खुदा ने खास्ता पाकिस्तान को कुछ होता है तो उनके ऊपर भी उतने ही बुरे असरात होंगे जिस तरीके से अफगानिस्तान में हुए और जिस तरीके से कहीं और भी हो सकते हैं। कुवतें हैं वही इस पर कामयाब हो सकती हैं। अगर हमें चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की करे तो हमें प्लूरलिस्टिक सोच को अपनाना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये जो हमने एक आई एम लॉस्ट विद वर्ड्स ये जो हम लोगों में एक इनटॉलरेंट
रवैया पैदा हो गया कि हमने दूसरे की बात को नहीं सुनना, हमने दूसरे के मौकफ को नहीं समझना है, हमें किसी के वजूद को नहीं मानना है अपने अलावा। ये वो चीज है जो हमको अंदर से खा रही है। प्लीज इसको आप इतना आसान ना समझिए। आज भी आप देख लीजिए लाल मस्जिद के सपोर्टर्स कितने मौजूद हैं। ये भी देख लीजिए कि वो कातिल मुमताज कादरी, उसके भी सपोर्टर्स मौजूद हैं। अभी ये आपके सामने जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, वो भी आपके सामने है कि किस किस्म का मौकफ इख्तियार किया गया, किस तरह की धमकियां दी गई हैं। आप बेशक दूसरी राय से इत्तेफाक ना करें, लेकिन आप हौसला तो पैदा करें ना, दूसरे की भी तो कोई राय हो सकती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें सप्लाई लाइन अपनी कट ऑफ कर देनी चाहिए जो नेटो से है, तो दूसरा का भी तो कोई मौकफ हो सकता है, उस मौकफ को भी तो सुनना चाहिए। ये कह देना कि अगर ये पास किया गया तो हम इसको पार्लियामेंट का मौकफ नहीं समझेंगे, इसको गवर्नमेंट का मौकफ समझेंगे। और जिसने इसकी हिमायत की ये भी धमकी आई है, जिसने इसकी हिमायत की, इन तजावीज की, उसको भी हम देख लेंगे। ये इनटॉलरेंस हमें कहां लेके जा रही है? ये कहीं ऐसा हो नहीं सकता है किसी भी माशरे में कि एक ही मौकफ हो और ये हो कि जो मौकफ हमारा है वो दुरुस्त है। माशरा वाइब्रेंट सेहतमंद वही होता है जहां पर कई स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, जहां पर स्कूल ऑफ थॉट्स एक दूसरे की बात को चैलेंज कर रहे होते हैं, जहां पर मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी पोजीशंस लेके चलते हैं, जहां एक मौकफ होता है या इम्पोजिशन ऑफ वन स्कूल ऑफ थॉट, वहां माशरे बिगाड़ की तरफ जाते हैं, तबाही की तरफ जाते हैं। वहां पर वो माशरा उसको मेरे ख्याल में सफोकेशन का शिकार हो जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि तमाम लोगों के ख्यालात को सुनना चाहिए, तमाम लोगों के ख्यालात को मिलाकर कन्वर्जेंस ऑफ आइडियाज भी हो सकते हैं, एक दूसरे की बात को भी समझ सकते हैं। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सिस्टम, एंड वी बिलीव इन रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच।